हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। गाइस, प्रीवियस के वीडियो लेक्चर में मैंने जो है कुछ थ्योरम्स आप लोगों को प्रूव करके बताया था, और साथ ही साथ मैंने ये भी बताया था कि कौन सा थ्योरम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन सा थ्योरम जो है थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है। बट जितना भी थ्योरम मैंने बताया है उनमें मैक्सिमम थ्योरम जो है आपके इम्पोर्टेंट है, और बाकी कुछ थ्योरम ऐसे भी है जिनको प्रूव करवाना बहुत ज़रूरी था। बिकॉज जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे आगे, उन क्वेश्चंस में जो है उन थ्योरम्स के यूज़ करने हैं। सो आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं जो है एक क्वेश्चन लेने वाला हूँ। सो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो है क्वेश्चन आ चुका है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। शो दैट द सेट जी ए प्लस बी रूट टू सच दैट ए कमा बी बिलोंग्स टू क्यू इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। गाइज, यहाँ पर जो है एक सेट दिया हुआ है हमारा जी, जो कि इस टाइप से डिफाइन किया हुआ है। कैसे? ए प्लस बी रूट टू है ना, और जो ए बी है वो आपका क्यू, क्यू में बिलोंग करता है। देखिए यहाँ पर जो है क्यू हम एक रियल नंबर लेंगे, ठीक है ना। क्यू जो है एक हमारा क्या होगा, एक रियल नंबर होगा। क्यू को हम मेनली जो है एक रेशनल नंबर से जो है डिनोट करते हैं, बट यहाँ पर जो इस क्वेश्चन का जो सेंस है, क्यू से जो है आपका क्यू जो है ये डिनोट करता है कि ये जो है एक हमारा क्या है, रियल नंबर है। इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सो गाइज, आई होप कि आप लोगों को पता होगा कि ग्रुप क्या होता है। अगर आप लोगों को ग्रुप क्या होता है ये पता नहीं है, ग्रुप का डेफिनेशन क्या होता है, सो मेरा जो पहला लेक्चर था, ग्रुप का इंट्रोडक्शन वीडियो था, वो आप लोग प्लीज़ देख लें, ताकि आप लोगों को जो है जो ग्रुप है वो क्या होता है, कैसे हम एक सेट होता है उसको हम जो है ग्रुप शो करते हैं, सो आप लोगों को पता लग जाएगा। यहाँ पर देखिए, ग्रुप को शो करने के लिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूँ कि एक सेट दिया होता है, और उस सेट के अंदर में हमें जो है चार प्रॉपर्टी शो करने होते हैं। नंबर फर्स्ट हमारा क्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी होता है। नंबर सेकंड हमारा क्या होता है, एसोसिएटिविटी होता है। नंबर थर्ड हमारा क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। नंबर फोर्थ हमारा क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अगर ये चारों प्रॉपर्टी जो है एक सेट के अंडर में, और जो एडिशन दिया हुआ है, जो ग्रुप जो हमारा ऑपरेशन दिया हुआ है उसके अंडर में अगर सेटिस्फाई हो जाता है, तो हम बता सकते हैं कि ये जो सेट है वो हमारा क्या है, एक ग्रुप है। सो नाउ अब यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको ग्रुप दिखाने के लिए नंबर फर्स्ट हमारे पास होता है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, सो गाइस क्लोजर प्रॉपर्टी में हमें पता है क्या करते हैं, हम कोई भी दो एलिमेंट को इसके अंदर से चूज कर लेते हैं। देखिए ये जो है जी का एलिमेंट नहीं है, जी जो है ये इस फॉर्म में डिफाइन किया है ना। जी जो है इस फॉर्म में डिफाइन किया है, जी के अंदर कुछ आपके एलिमेंट्स होंगे, वो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू जी। हम ये लेट कर लेते हैं कि जो एक्स और वाई है वो आपका किस में बिलोंग करता है, जी में बिलोंग करता है। सो जो एक्स होगा उसको हम डिफाइन कर सकते हैं फ्रॉम दिस। एक्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी रूट टू है ना। और जो वाई है, वाई को भी हम डिफाइन कर सकते हैं। कैसे डिफाइन कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर ए और बी ले लिए हमने, सो यहाँ पर हम जो है सी और डी यूज़ कर सकते हैं। ओके, सेम यूज़ मत करिए, हम जो है यहाँ पर डिफरेंट यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर सी प्लस डी रूट टू इस टाइप का हो जाएगा, डी रूट टू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो है हमारा जी, जी जो सेट है वो हमारा इस टाइप से डिफाइन किया हुआ है। इसमें हमारे जितने भी नंबर्स होंगे है ना, जितने भी हमारे एलिमेंट्स होंगे वो इस फॉर्म का होगा, इस रूप का होगा, ठीक है। और उसमें जो हमारे ए बी होंगे, यहाँ के जितने भी नंबर्स होंगे वो हमारे एक रियल नंबर में बिलोंग करता है, ठीक है। यही बताया गया कि ए बी बिलोंग्स टू क्यू। यहाँ पर जो है क्यू रियल नंबर से रिलेटेड है, ना कि रेशनल नंबर से। सो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है। सो गाइज, हमने यहाँ पर तो ये कर लिया। अब जो हमारा एडिशन दिया हुआ है, हमें पता है कि क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो सो एक्स प्लस वाई हो जाएगा यहाँ पर, एक्स प्लस वाई। अब देखिए इनको हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, ए प्लस बी रूट टू ये हो गया, प्लस यहाँ से सी प्लस डी रूट टू। ओके, अब देखिए यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एडिशन में है कोई दिक्कत नहीं है, तो हम ए प्लस सी ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस सी को अलग लिख सकते हैं। प्लस देखिए यहाँ से रूट टू और रूट टू है, कॉमन आ जाएगा, बी और डी आ जाएगा। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं बी प्लस डी रूट टू। तो ये भी जो है किस फॉर्म का आ गया है, ये आपका जो है किस फॉर्म का आ गया है, देखिए इस फॉर्म का आ गया कि नहीं,
ए प्लस बी रूट टू। सो इसको अगर हम कुछ एक नंबर मान ले ए मान ले और इसको अगर हम कुछ मान ले बी और ये रूट टू, सो ये इस फॉर्म का बन गया कि नहीं। सो यहाँ पर हम लिख सकते हैं फॉर ऑल, यहाँ पर जो है बता सकते हैं बिलोंग्स टू, दिस बिलोंग्स टू जी, ये जो है जी में बिलोंग करता है। और क्लोजर प्रॉपर्टी तो यही होता है कि हम दो भी कोई भी दो एलिमेंट का हम ऑपरेशन करवाएं और जो हमारा नया एलिमेंट मिले वो भी हमारा किस में बिलोंग करना चाहिए, जी में बिलोंग करना चाहिए। तो जी में कौन कौन से नंबर बिलोंग करते हैं, जो इस रूप का होगा, है ना, जो इस रूप का होगा, ए प्लस बी रूट टू के रूप का होगा, फॉर्म का होगा। सो ये देखिए ए प्लस बी रूट टू के फॉर्म का है। सो यहाँ पर हम बता सकते हैं कि ए प्लस सी प्लस बी प्लस डी रूट टू बिलोंग्स टू जी फॉर ऑल। यहाँ पर थोड़ा सा आपको और लिखना पड़ेगा, फॉर ऑल देखिए यहाँ पर क्या बताया गया कि ये जो ए बी सी डी जितने भी होंगे वो आपके किस में बिलोंग करेंगे, इस रियल नंबर क्यू में बिलोंग करेंगे। फॉर ऑल ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी बिलोंग्स टू क्यू, हेंस हम बता सकते हैं कि क्लोजर प्रॉपर्टी इज होल्ड, हेंस क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। नाउ नंबर सेकेंड हमारा क्या आता है, एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी, अब एसोसिएटिविटी में हम देखते हैं, देखिए रियल नंबर, एक रियल नंबर जो है, रियल नंबर को अगर आपस में हम जोड़े या फिर घटाए, यहाँ पर जोड़ने की बात बोला गया है, तो एक रियल नंबर है उसको हम जो है किसी भी तरीके से इधर उधर से हम अगर जोड़ेंगे, एसोसिएटिविटी जो प्रॉपर्टी होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा बता देता हूँ। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ऐसे हम जो है सॉल्व आउट करते हैं। सो आप कोई भी तीन रियल नंबर ले लीजिए और उनको अगर आप जोड़ोगे तो आपको जो है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड जरूर करेगा, ठीक है। आप लोग जो है ग्रुप का इंट्रोडक्शन वीडियो देख ले तो वो आप लोगों को अच्छे समझ में आ जाएगी जो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है, जो क्लोजर प्रॉपर्टी मैंने बताया अभी ये क्या होता है, तो आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा पहले वो वाला वीडियो आप लोग देख ले, तभी जाकर के आप ये वाला क्वेश्चन को अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। सो नाउ अब यहां पर जो है थोड़ा सा लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं एडिशन ऑफ रियल नंबर इज एसोसिएटिव, ठीक है। एडिशन ऑफ रियल नंबर जो होते हैं वो हमारे एसोसिएटिव होंगे। आप लोग कोई भी तीन नंबर लेकर के सॉल्व करके देखिए, वो हमारा एसोसिएटिव होगा जरूर, ठीक है ना। तो हम हमारा एसोसिएटिविटी भी हमारा क्या कर गया, होल्ड कर गया। नाउ नंबर्स थर्ड हमारे पास क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। सो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, देखिए एडिशन का केस है, तो यहाँ पर एडिशन के केस में जब भी कभी भी एडिशन का केस आए तो उस कंडीशन में आपको जीरो ध्यान रखना है ना, जीरो ध्यान रखना है। आइडेंटिटी क्या कहता है, देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट वो एलिमेंट होता है अगर हम इस ग्रुप के, इस सेट का, इस सेट ग्रुप तो हम अभी नहीं कह सकते जब तक इसके अंडर में चार प्रॉपर्टी हम नहीं दिखा देंगे, ठीक है। तो ग्रुप तो हम इसको नहीं बोलेंगे, अभी हम इसको एक सेट ही बोलेंगे। सो अगर इस सेट के अंडर में, इस सेट के अंदर का अगर कोई एलिमेंट हम लेते हैं और उसको अगर हम किसी ऐसे नंबर से ऑपरेट करवा देंगे जिससे कि फिर से हमें वही एलिमेंट मिल जाए, उस एलिमेंट में कोई चेंजेस ना हो, है ना, उस एलिमेंट में कोई चेंजेस ना हो, तो एडिशन के केस में ऐसा कौन सा एलिमेंट है जिसको हम किसी के साथ ऐड करने पर वही एलिमेंट मिल जाए। देखिए मान लीजिए कि इसमें से हमने यही ले लिया है, ए प्लस बी रूट टू ले लिया, अब इस ए प्लस बी रूट टू के साथ हम किसको ऐड करें कि हमें ए प्लस बी रूट टू ही मिल जाए। सो ऐसा एक ही एलिमेंट है, वो क्या है आपका, जीरो है। सो अब जीरो को तो हम ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते, जीरो को हम ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते, जीरो को हमें इस फॉर्म में डिफाइन करना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, जीरो को हमें इस फॉर्म में डिफाइन करना पड़ेगा। सो देखिए लेट ए प्लस बी रूट टू बिलोंग्स टू जी, है ना, बी रूट टू ए प्लस बी रूट टू बिलोंग्स टू जी। अब देखिए यहाँ से हम बता सकते हैं फॉर ऑल ए कॉमा बी जो है आपका क्यू में बिलोंग करता है। अब देखिए अगर मैं 0 प्लस जीरो रूट टू बिलोंग्स टू जी करता हूँ तो हम क्या बता सकते हैं, फॉर ऑल 0 बिलोंग्स टू क्यू। 0 जो है एक रियल नंबर है, तो रियल नंबर में 0 भी होता है ना। सो अब देखिए एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे। सो जीरो प्लस जीरो रूट टू इज इक्वल प्लस, प्लस का साइन है तो हम प्लस लगाएंगे, ए प्लस बी रूट टू। इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, देखिए जीरो प्लस ए ऐसे लिख सकते हैं, जीरो प्लस ए प्लस, देखिए यहाँ पर रूट टू है, यहाँ पर रूट टू है, यहाँ से हम जीरो प्लस बी और रूट टू को हम क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं, है कि नहीं।
रूट टू को हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं। अब देखिए, अगर मैं इसमें क्या करूँगा, जीरो को ए से ऐड कर दूंगा तो हमें क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। प्लस अगर मैं जीरो को बी से ऐड कर दूंगा तो हमें क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा। और रूट टू इसके साथ मल्टीप्लाई में है, सो हमें देखिए क्या मिल गया, फिर से वही एलिमेंट मिला कि नहीं जो एलिमेंट हमने यहाँ पर लिया था। तो मैंने यही तो बताया था कि जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो, उसको अगर किसी के तो ऑपरेट करवाते हैं तो हमें फिर से वही एलिमेंट मिल जाता है। सो हमने यहाँ पर भी देखा कि ये जो है हमारा क्या है, जो कि आपका किस में बिलोंग कर जाता है, जी में बिलोंग कर जाता है। फॉर ऑल यहाँ पर हम लिखेंगे, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। सो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि ये जो हमारा है जीरो प्लस जीरो रूट टू इज आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ दिस सेट। ठीक है, देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे, हेंस जीरो प्लस जीरो रूट टू इज एडिटिव, एडिटिव भी लिखना होगा, क्यों, क्योंकि हमारा यहाँ पर जो ऑपरेशन दिया है वो एडिशन का दिया है, एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ जी। इस जी का जो है क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। सो नाउ नेक्स्ट हमारा क्या होता है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। गाइस एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स में हमने क्या देखा था, देखिए अगर कोई एलिमेंट लेते हैं और उसका इनवर्स के साथ उसको ऑपरेट करवा दे तो हमें जो है आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाना चाहिए, है ना, आइडेंटिटी एलिमेंट मिल जाना चाहिए। अब सपोज करिए कि इसमें हमने जो है ये एलिमेंट ले लिया, अब इस एलिमेंट को हम किसके साथ ऑपरेट करवाए, किसके साथ ऑपरेट करवाए कि हमें जो है ये जो आइडेंटिटी एलिमेंट हमें मिला है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, ये हमें जीरो प्लस जीरो रूट टू मिल जाए। सो देखिए अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, लेट ए प्लस बी रूट टू बिलोंग्स टू जी, एंड इसके लिए देखिए फॉर ऑल, फॉर ऑल क्या बता सकते हैं हम, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू क्यू, यही तो है। और देखिए आप माइनस ए प्लस माइनस बी रूट टू, ये भी आपका जी में बिलोंग करेगा, क्यों, देखिए फॉर ऑल माइनस ए कॉमा माइनस बी बिलोंग्स टू क्यू, क्यों, क्योंकि आप क्यू आपका जो है क्या है, एक रियल नंबर है। सो अगर क्यू रियल नंबर है तो उसमें आपके माइनस के नंबर भी बिलोंग जरूर करेंगे। सो अब हम यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, एडिशन कर देते हैं इसका, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी रूट टू प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी रूट टू। अच्छा इसको हम आप कैसे लिख सकते हैं, देखिए ए और इधर से माइनस है, ए माइनस ए प्लस, देखिए इधर हमारा क्या है, बी है, बी और इधर से माइनस बी और इधर रूट टू कॉमन आ जाएगा। सो यहाँ से देखिए ये हो गया हमारा ज़ीरो, प्लस ये भी हमारा क्या हो गया, ज़ीरो हो गया, और यहाँ पर रूट टू हमारा मल्टीप्लाई में आया कि नहीं आया, आइडेंटिटी एलिमेंट, जो आइडेंटिटी एलिमेंट हमने यहाँ पर देखा था, आइडेंटिटी एलिमेंट हमने यहाँ पर देखा था। सो यहाँ पर हम लिखेंगे फॉर ऑल ज़ीरो बिलोंग्स टू क्यू, ज़ीरो बिलोंग्स टू क्यू। अब यहाँ पर हमें, जैसे हमने यहाँ पर लिखा था, हैंस दिस इज एडिटिव आइडेंटिटी, सो यहाँ पर भी हमें लिखना पड़ेगा, हैंस हैंस माइनस ए प्लस माइनस बी रूट टू इज एडिटिव इनवर्स ऑफ जी। सो ये देखिए चारों प्रॉपर्टी हमने जो है सेटिस्फाई कर दिया है, दिखा दिया है कि चारों प्रॉपर्टी जो है सेटिस्फाई करता है, नंबर फर्स्ट क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो अगर ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है तो हम बता सकते हैं कि ये हमारा क्या है, एक जो है ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन ऑफ एडिशन का। ओके स्टूडेंट्स, सो हम यहाँ पर बता सकते हैं, सिंस ऑल द पोस्टुलेट्स आर सेटिस्फाइड देन दिस सेट जी इज अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सो गाइज आई होप कि ये जो क्वेश्चन था आप लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लोग इसे लाइक करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस करें, और साथ ही साथ इसको शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि और लोगों को भी इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।